जी स्वयं अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी गंदगी का कहीं होता है तो उठा करके अपने जेब में रख करके, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको संदेश देने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर को श्री अयोध्या धाम आ रहे हैं। हम लोग परम पूज्य अटल जी की जन्म जयंती से स्वच्छता अभियान की शुरुआत किए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारी, क्षेत्र के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, बूथ और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता और अयोध्या वासी सब लोग एक साथ मिलकर के स्वच्छता के अभियान को सफल बनाए हैं। मैं समस्त अयोध्या वासियों से अपील करता हूं कि कहीं गंदगी ना फैलाएं, और स्वच्छता का अभियान प्रतिदिन चलेगा, नियमित रूप से चलेगा, इसमें सहभागी हों। गंदगी से मुक्त अयोध्या धाम, पवित्रता से युक्त अयोध्या धाम, और इसलिए मैं आप सब से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि स्वच्छ और सुंदर अयोध्या के लिए हम सबको अपनी अपनी भूमिका निर्वाह करना है। हम सबको झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगाएंगे, कूड़ा और करकट कुछ उठा करके उचित स्थान पर पहुंचाना तो उसको उचित स्थान पर पहुंचाएंगे, और स्वयं गंदगी नहीं फैलाएंगे। यह एक मन में अपने संकल्प लेकर के और श्री अयोध्या धाम की ओर पूरे विश्व की चुकी नजर है, पूरे देश के लोग आ रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, तो एक बार फिर से वही नारा, जहां जन्मे प्रभु राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम, इस संकल्प को सफल बनाएं, यही आप सबसे अपील है। जय श्री राम। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।